गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लास में हम मापन के विशेषता प्रकार और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले ऑडियो में हमने मापन को समझा, तो आज हम मापन के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मापन क्या है? तो मापन छात्र की शैक्षिक उपलब्धि और स्तर को पता लगाने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा उसके अंक वस्तुओं को, गुणों को किसी मात्रात्मक रूप में मापा जाता है। तो मापन एक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है। जैसे कि बालक ने संगीत और गणित विषय में 100 में से 78 अंक प्राप्त किए, तो उस 78 अंक प्राप्त करने के लिए हम कहते हैं कि छात्र ने विशेष योग्यता हासिल कर ली। तो उसकी जो विशेष योग्यता है उसको हमने अंकों के रूप में मापा था, 78%। तो ये मापन की एक प्रक्रिया है, छात्र को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, ग्रेड प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ऐसे ही मान लो किसी छात्र ने जो कि टाइपिंग करता है, तो टाइपिंग करने वाले विद्यार्थी ने परीक्षा दी, तो उसकी वहां पर उसकी गति का भी मापन किया गया और उसकी परिशुद्धता का भी मापन किया गया। जैसे कि 40 शब्द प्रति मिनट, तो उसको हमने 40 शब्द प्रति मिनट में नापा और उसकी परिशुद्धता है, जैसे कि 5 गलतियां करता है, तो 5, तो 40 और 5 ये क्या है? अंक। तो हमने उसको अंकों के रूप में उसका मापन किया था, तो इसे ही हम मापन कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मापन है किसी भी वस्तु, गुण, घटना और तथ्य को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वही मापन कहलाती है, या उसे ही मापन कहते हैं। तो मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार किसी वस्तुओं को, तथ्यों को और घटनाओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो हमने मापन का अर्थ पढ़ा, परिभाषा हमने पिछले ऑडियो में पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ेंगे मापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, MEASUREMENT, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो मापन के प्रकार में पहला है मानसिक मापन, पहला है मानसिक मापन। तो मानसिक मापन है तो इसमें हम बुद्धि का मापन किया जाता है, इसमें मानसिक क्रियाओं का मापन किया जाता है, इसमें मानसिक क्रियाओं का मापन किया जाता है, जैसे बुद्धि रुचि, योग्यता, अभियोग्यता, अभिक्षमता आदि। तो हमने जैसे बुद्धि मापने के लिए विनय साइमन मापनी। तो इसमें हमने मानसिक क्रियाओं का मापन किया जाता है, जो मानसिक मापन होता है उसमें मानसिक क्रियाओं का मापन किया जाता है, जैसे कि बुद्धि, रुचि, योग्यता, अभिक्षमता आदि। और बुद्धि मापन के लिए हमने विनय साइमन मापनी का इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये मानसिक मापन है, और जो मानसिक मापन होता है यह सापेक्ष होता है, यह सापेक्ष होता है, इसका या इसमें अंक का
अस्तित्व नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये जो मानसिक मापन होता है ये कैसा होता है? सापेक्ष होता है और इसमें अंक का अस्तित्व नहीं होता है, जिसे कि हम मानसिक मापन कहते हैं। तो मानसिक मापन में मानसिक क्रियाओं का ही मापन किया जाता है, बुद्धि, रुचि, योग्यता, अभियोग्यता आदि, और यह सापेक्ष होता है। दूसरा है भौतिक मापन। भौतिक मापन, तो जो भौतिक मापन होता है इसमें भौतिक इकाइयों का ही मापन किया जाता है। इसमें भौतिक इकाइयों का ही मापन किया जाता है, जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि। यह निरपेक्ष होता है, यह निरपेक्ष होता है। जैसे इसमें अंक का महत्व होता है, इसमें अंक का महत्व होता है। तो भौतिक दूसरा प्रकार है, वो है भौतिक मापन। भौतिक मापन में क्या होता है, इसमें भौतिक इकाइयों का ही मापन किया जाता है, और इसमें जैसे कि लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि। और यह है जो भौतिक मापन होता है वो कैसा होता है? निरपेक्ष होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अंक का महत्व होता है। तो मापन दो प्रकार का होता है, मानसिक मापन और भौतिक मापन। तो ये थे मापन के प्रकार। अब पढ़ेंगे मापन की विशेषताएं। मापन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको यहाँ हम पढ़ेंगे। मापन की विशेषताएं, नंबर एक, मापन की विशेषताएं में पहली इसकी विशेषता है, यह वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक है। यह है वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक। यह कैसा है? वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक। तो मापन कैसा है? वस्तुनिष्ठ होता है। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है कि जो प्रश्न जितने अंक का है उसमें उतने ही अंक उसको प्राप्त होते हैं, उसमें कहीं भी घटावड़ी नहीं होती है, चाहे उसको किसी के द्वारा भी चेक कराया जाए, वो वस्तुनिष्ठता होती है। अगला है वैज्ञानिक है, तो मापन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक भी है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है मापन में केवल मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता है मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था बुद्धि मापन के लिए विनय साइमन मापनी का प्रयोग किया गया था, तो मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है मापन हेतु इकाइयां होती है। अब मैंने पहले बताया था कि मापन के लिए इकाइयां होती है, जैसे लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर, जैसे कि लंबाई के लिए
मीटर, मीटर, सेंटीमीटर आदि। जैसे कि लंबाई के लिए मीटर सेंटीमीटर होता है, वैसे ही शैक्षिक मापन में प्रमाणिक प्राप्तांक, शैक्षिक मापन में प्रमाणिक प्रमाणिक प्राप्तांक, जैसे हमें शैक्षिक मापन करना है तो वो प्रमाणिक प्राप्तांक है, जैसे कि पहला है शतांक जेड स्कोर, शतांक जेड स्कोर, टी स्कोर आदि। तो ये टी स्कोर आदि होते हैं। मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए प्रतिमान होते हैं। चौथी इसकी विशेषता है, मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए प्रतिमान होते हैं तो अगली विशेषता है कि मापन में अंकों की व्याख्या करनी है तो इसके लिए प्रतिमान होते हैं, जिसके आधार पर छात्रों की अंकों की व्याख्या की जाती है और पता लगाया जाता है कि कौन सा छात्र औसत से ज्यादा है और कौन सा छात्र औसत से छात्र की बुद्धि लब्धि कम है या उसका स्तर कम है। तो ये भी मापन के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तो जैसे कि औसत बुद्धि का कौन सा है और तथा कितना ऊपर है औसत बुद्धि से छात्र। अब आते हैं मापन के कार्य। मापन के कार्य कौन कौन से कार्य हैं? मापन के द्वारा कौन कौन से कार्य किया जाता है? मापन के कार्य कौन कौन से कार्य है मापन के? तो पहला कार्य है मापन का, इसके द्वारा वस्तुओं की श्रेणी व्यक्त की जाती है। तो मापन का पहला कार्य कौन सा है? मापन के द्वारा वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त किया जाता है। दूसरा इसका कार्य है वो है मापन मापन के द्वारा वस्तुओं की श्रेणी व्यक्त की जाती है और मापन अंकों की श्रेणी व्यक्त करता है। तीसरा है मापन अंक प्रदान करने वाले नियमों को प्रदान करता है। चौथा है पूर्वानुमान लगाना। पांचवा है तुलना करना। छठा है विभेदीकरण करना। तो ये हमने मूल्यांकन की मापन की विशेषताएं पढ़ी। तो आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।